स्वागत है देखते हैं क्राइम से जुड़ी कुछ खास खबर। अपराधी से परेशान होकर युवती ने की आत्महत्या की कोशिश। पहले उसी के साथ रहती थी पीड़िता, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। नागपुर गांधी सागर तालाब में जान देने पहुंची युवती को बचा लिया गया। पूछने पर पता चला है कि वह गौतम किशन भटकर नामक अपराधी से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास कर रही थी। गौतम उसके गांव अमरावती का ही रहने वाला है। 26 वर्षीय युवती जब गांव से नागपुर आई थी तब वह गौतम के साथ अंबाजरी क्षेत्र में किराए के कमरे में रहे। गौतम भटकर अपराध जगत में चला गया। गौतम शादीशुदा होने के बाद भी युवती को परेशान कर रहा था, इसीलिए मंगलवार को वह गांधी सागर तालाब में जान देने पहुंची। उसे बचाने के बाद गणेशपुर थाने ले जाया गया। गणेशपुर थाने के वरिष्ठ थानेदार सुनील गांगुर्डे ने उसकी सारी कहानी सुनने के बाद उसे अंबाझरी थाने भेज दिया। युवती ने पुलिस को बताया कि पिछले पाँच वर्षों से गौतम के साथ उसके प्रेम संबंध थे। गौतम इससे पहले मौका में आरोपी रह चुका है। गौतम लगातार युवती को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। कभी तलवार की नोक पर तो कभी पिस्तौल दिखाकर उसने युवती से दुष्कर्म किया। शादी का विश्वास दिलाकर उसे शिकार बनाता रहा और बाद में मुकर गया। युवती मंगलवार की दोपहर जल तालाब में आत्महत्या करने पहुंची, तब उसे रोते हुए वहां मौजूद लोगों ने उसे कूदने से पहले पकड़ लिया। घटना की जानकारी गणेशपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवती को समझाया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। वहां युवती ने भटकर की करतूतों की जानकारी दी। बाद में युवती को गणेशपेट से अंबाझरी थाने भेज दिया गया। अंबाझरी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चौहान ने बताया कि आरोपी गौतम भटकर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो एमएनएस न्यूज आई की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।